हाँ बेटा देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने स्टार्ट किए थे है ना, कल बेसिक डेफिनेशन भर पढ़े थे, बस हो गया। किसकी? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या थी? देखो, करंट मतलब मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस करंट विच व्हेन चार्ज मूव्स अलोंग अ सर्टेन डायरेक्शन देन मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस करंट। ठीक है ना, करंट का मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन फिलहाल करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम जो भी पढ़ रहे हैं डीसी करंट, ये ध्यान रखना। और डायरेक्ट करंट मतलब डीसी करंट के सोर्सेस क्या हैं? सेल या बैटरी, है ना। मतलब केब हम जहां भी हम करंट बोलेंगे, बस वो लास्ट वाली यूनिट अल्टरनेटिंग करंट को छोड़कर, ये ध्यान रखना इस बात का कि करंट अगर हमने बोले इसका मतलब डीसी करंट, सेल या बैटरी लेंगे। ठीक है ना, तो कल करंट की डेफिनेशन हमने पढ़े थे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट वर्ड लिखा है ना, रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। रेट वर्ड नहीं बोलना है तो फिर क्या बोलोगे आप? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज इन पर यूनिट टाइम, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड। ठीक, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक, इसके बाद इसमें एक अच्छा क्वेश्चन है जो आता भी एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनना, है ना। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, फाइंड द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट I एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कल बताया था मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट I एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD किसकी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, है ना। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट I एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स VD। ये क्वेश्चन है, ठीक। थोड़ा ध्यान से इसको समझना है, बस हो गया। ठीक है सिंपल, ध्यान आपको रखना है, स्टेप याद कर लेना है हमको बस। ठीक है, ध्यान से सुनो भाई। मान लो हमने एक कंडक्टिंग वायर लिए, क्या है ये? वायर। वायर बोल रहे हैं इसका मतलब वायर का शेप कैसा? सिलेंड्रिकल। वायर कैसा होता है? सिलेंड्रिकल, है ना। जैसे मान लो कि ये वायर है, ये क्या है? वायर। अब वायर का शेप कैसा होता है? सिलेंड्रिकल। कैसा होता है? सिलेंड्रिकल, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं वायर का? ये क्या है वायर का? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए, ठीक। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर मीन्स कैपिटल ए, ठीक। या इसको एक्चुअल में हम शो लिख सकते हैं पाई आर स्क्वेयर। आर का मतलब रेडियस ऑफ द कंडक्टिंग वायर, है ना। तो वायर अगर मान लो ऐसे रखा हुआ है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर सर्कुलर। वायर अगर सिलेंड्रिकल है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होगा? सर्कुलर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है थिकनेस ऑफ द वायर, ठीक है भाई। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम है, इसका मतलब वायर पतला है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा है, इसका मतलब वायर मोटा है, ठीक। बाद में इन सब चीजों की हमको जरूरत पड़ेगी रेजिस्टेंस निकालते समय, ठीक है। तो वायर हमने ऐसे रखे, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर कितना? ए, ठीक है। चलो, लेंथ ऑफ द वायर मान लो एल। लेंथ ऑफ द वायर कितना? एल, ठीक है। वायर सिलेंड्रिकल, तो इस वायर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टिंग वायर बता सकते हो? इस वायर का
वॉल्यूम कितना होगा। भाई अगर मान लो इस अभी डायग्राम में आपको वायर ऐसे दिख रहा है, ठीक है ना, अगर मैं वायर को ऐसे रखता तो ठीक, भाई अगर मान लो मैं इसी वायर को ऐसे रखूं तो ये हो गया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक, ये इसकी हो गई लेंथ। तो वायर कैसा है, सिलेंड्रिकल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहां आप देखो पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, यहां क्या लिख सकता हूं मैं, ए, एच का मतलब ऐसे रखा है तो हम बोलेंगे हाइट मतलब एल, ऐसे रखा है तो एच का मतलब क्या हो गया, हाइट, और उसी वायर को मैंने ऐसे रख दिया तो एच का मतलब क्या हो गया, लेंथ ऑफ द वायर, ऐसे अगर रखा है वायर हॉरिजॉन्टल तो एल एच का मतलब क्या हुआ, लेंथ ऑफ द वायर, और वायर अगर वर्टिकल रख रहा हूं तो एच का मतलब क्या हो गया, हाइट ऑफ द वायर, है ना। तो यहां एच का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, एच मतलब क्या है, हाइट या लेंथ ऑफ द वायर कितना, एल। तो ए इंटू एल क्या है, ए इंटू एल यहां क्या है, ए का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर पाई आर स्क्वायर, और एच का मतलब क्या था, हाइट ऑफ द वायर मतलब लेंथ ऑफ द वायर। तो ये क्या निकल गया, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टिंग वायर, क्या है ये, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टिंग वायर कितना, ए इंटू एल, ध्यान रखो काम आएगा भी, ठीक। हमने जो कंडक्टिंग वायर लिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए पाई आर स्क्वायर, और इसकी लेंथ कितनी है, एल, तो इस वायर का वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच से इस वायर का वॉल्यूम कितना होगा, ए इंटू एल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द वायर कितना, ए इंटू एल, ठीक। अब एक्चुअल में रिलेशन किस में निकालना है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। तो वायर में करंट, डीसी करंट, तो वायर में करंट कब फ्लो होगा, व्हेन वी अप्लाइड अ पोटेंशियल डिफरेंस बाय सेल और बैटरी, ठीक, मतलब इस वायर के दोनों एंड्स को हम किससे कनेक्ट कर दें, सेल या बैटरी से, किससे कनेक्ट कर दें, सेल या बैटरी से, ठीक। मान लो हमने इस वायर में कितने वोल्ट की बैटरी जोड़ी, वी वोल्ट, ठीक, कितने वोल्ट की बैटरी जोड़े हमने, वी वोल्ट, ठीक। तो इसका क्या मतलब हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर, ठीक है। चलो ध्यान सुनना मेरी बात, एक्चुअल में हमको निकालना है करंट आई, तो करंट की डेफिनेशन क्या थी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्यू बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अब हम थोड़ा सोचना चालू करें, क्या सोचना चालू करें, कि भाई करंट अगर फाइंड करना है तो पहले हम चार्ज निकाल लें, क्या फाइंड कर लें, चार्ज, कौन सा चार्ज, जिसके कारण करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो वायर में करंट किसके कारण है, कंडक्टिंग वायर है ना भाई, कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो होता है
फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, किसके कारण? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो करंट फाइंड करना है तो हम क्या फाइंड करेंगे? चार्ज। चार्ज कौन सा? चार्ज फ्लोस विद इन द वायर, कितना चार्ज वायर के अंदर फ्लो हो रहा है हमको ये फाइंड करना है। लेकिन वायर के अंदर क्या फ्लो हो रहे हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या फ्लो हो रहे हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं ये निकाल लेते हैं भाई। जैसे हमको ये मालूम है एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, E 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? वायर के अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये निकाल लो आप। अगर मान लो वायर के अंदर 100 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? E। 100 इलेक्ट्रॉन का कितना होगा? मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। ठीक, तो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो निकल जाएगा आपका। ठीक है, क्या फाइंड करना है हमको? करंट फाइंड करना है। तो करंट हम किससे फाइंड करेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो पहले हमको क्या फाइंड करना है? चार्ज। क्या फाइंड करना है? चार्ज। कौन सा चार्ज? जिसके कारण करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो वायर में करंट किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ठीक भाई, जैसे हमने वायर के दोनों एंड्स में वोल्टेज लगाए तो वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स लगता है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करते हैं, उसके कारण वायर में करंट प्रोड्यूस होता है। तो करंट निकालना है, इसका मतलब हम क्या निकालेंगे? चार्ज। कौन सा चार्ज? जिसके कारण करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो किसके कारण हो रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो हमको क्या फाइंड करना है? कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं? क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लोस विद इन द कंडक्टिंग वायर। ठीक है, क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लोस विद इन द कंडक्टिंग वायर। तो टोटल उन इलेक्ट्रॉन्स के कारण कितना चार्ज फ्लो होगा वो निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स से हम निकाल लेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है तो उतने इलेक्ट्रॉन में कितना होगा मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो करना क्या है हमको ये पता चल गया अब। ठीक है, चल अब ध्यान से सुनो मेरी बात। ठीक है, ध्यान देना। चलो क्या हुआ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर कितना था? ए। लेंथ ऑफ द वायर कितना? एल। तो इस कंडक्टिंग वायर का वॉल्यूम कितना होगा? ए इंटू एल, पायर स्क्वायर एच। ठीक, वायर के अंदर करंट फ्लो किसके कारण हो रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। किसके कारण हो रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो यहां डायग्राम में फिलहाल मैं एक फ्री इलेक्ट्रॉन शो कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन में चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। ठीक है, देखो जैसे हमने वायर में क्या करे, वोल्टेज अप्लाई करे, तो वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा E इज इक्वल टू वी बाई एल। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा प्लस से माइनस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? वायर के अंदर है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां है? वायर के अंदर है। इसका मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अब इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स लगेगा। फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हैं ना। इलेक्ट्रॉन में अगर फोर्स निकाल रहे हैं तो चार्ज किसका? इलेक्ट्रॉन का। ठीक, F इज इक्वल टू क्यू ई से।
लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज में फोर्स लगता है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। ठीक है, चलो, हाँ चलो अब काम की बात सुनना, है ना। ठीक, ये था कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग, तो कंडक्टर का मतलब क्या होता है, कंडक्शन किसके कारण होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ठीक भाई, जो मेटल जितना अच्छा कंडक्टर होगा उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतने ज्यादा होंगे। ठीक है, मान लेते हैं अपन इस कंडक्टिंग वायर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, ध्यान से सुनना कि मैं बोल क्या रहा हूं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, मान लेते हैं सपोज कितना है स्मॉल एन, क्या है स्मॉल एन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, या इसी को अक्षर में शॉर्ट में हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं लिखा है तो आप समझ जाना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, चलो, तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस पूरे वायर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वायर का वॉल्यूम कितना है, ए इंटू एल, वायर का वॉल्यूम कितना है, ए इंटू एल। ठीक, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन, तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने थे, एन, तो इतने वॉल्यूम में कितने होंगे, मल्टीप्लाई करके निकाल लिए, क्या है ये स्टेप, क्या बता रही है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद इन द कंडक्टिंग वायर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद इन द कंडक्टिंग वायर। ठीक है ना, इस वायर के अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वायर के अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो निकल गया, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा। अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इसका मतलब चार्ज मूव कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं मतलब चार्ज मूव कर रहा है, तो हमको अब ये बताना है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स जब वायर के अंदर फ्लो होंगे तो कितना चार्ज फ्लो होगा, क्या बताना है, कितना चार्ज फ्लो होगा, ध्यान से देखो। ठीक, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज विद इन द वायर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज विद इन द वायर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज, ठीक, वायर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है और वायर के अंदर पूरे वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, इतने, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स के कारण कितना चार्ज फ्लो होगा, एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है तो इतने इलेक्ट्रॉन्स के कारण कितना चार्ज होगा, मल्टीप्लाई करके निकाल लो, ए इंटू एल इंटू एन और ए। आया समझ में, ठीक, फिर से एक बार देख लो, स्मॉल एन क्या है, इस चैप्टर में स्मॉल एन बार बार यूज होगा तो आप याद रखें उसको, स्मॉल एन इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फिजिक्स की लैंग्वेज,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम. नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक, वायर का वॉल्यूम कितना है? पाई आर स्क्वायर एच से. ये तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आ गया. इस कंडक्टिंग वायर के अंदर टोटल इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक, तो जब इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो कितना चार्ज फ्लो होगा वो निकालना है. ठीक, वायर के अंदर इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे विद इन द वायर, तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो फाइंड करना है. तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? ई. एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? ई. तो इतने इलेक्ट्रॉन्स के कारण कितना चार्ज होगा, मल्टीप्लाई करके निकाल लिया. सिंपल. ठीक, चलो अब ध्यान से सुनो मेरी बात. देखो क्या होता है, जैसे ही हमने वायर के दोनों एंड्स में वोल्टेज अप्लाई करे तो वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स लगता है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में. तो इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन डायरेक्शन मूव करते हैं विच प्रोड्यूसेस करंट, उसके कारण करंट प्रोड्यूस होता है. इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी. ठीक, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन्स पूरे सर्किट में मूव करेंगे तब करंट प्रोड्यूस होगा. जब ये इलेक्ट्रॉन पूरे सर्किट में मूव करेंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा. ठीक, मान लेते हैं अपन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में विद इन द वायर टाइम कितना लगता है. मान लो टाइम कितना लगता है? टी. कितना टाइम लगता है? टी. क्या है ये स्मॉल टी? टाइम. कौन सा टाइम? टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद इन द कंडक्टिंग वायर टू क्रॉस द कंडक्टिंग वायर. टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू क्रॉस द कंडक्टिंग वायर, इतना टाइम लगता है. लेकिन टाइम इज इक्वल टू क्या? टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. भाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम इज इक्वल टू क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना. हम क्या फाइंड कर रहे हैं? टाइम. इलेक्ट्रॉन्स को कितना टाइम लगेगा पूरे वायर में फ्लो होने में. तो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स वायर में मूव करेंगे फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, तो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगे बताओ? डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगे? एल. इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड मतलब इनकी वेलोसिटी, सर्टेन एवरेज वेलोसिटी विच इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी मींस क्या? वी डी. देखो तो अब करंट निकल जाएगा, अब करंट निकल जाएगा ना. बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी. तो करंट आई इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज विद इन द वायर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स. क्यू इज इक्वल टू ए इंटू एल एन ई. ठीक है, अपॉन क्या? टी. टाइम टी की वैल्यू क्या है? एल अपॉन वी डी. ठीक है, एल देखो कैंसिल, वी डी आ जाएगा ऊपर. तो करंट आई इज इक्वल टू, देखो क्या आया, करंट आई इज इक्वल टू ये वी डी आ गया ऊपर, तो क्या होगा देखो? एन ए वी डी इंटू ई.
ये होता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, ये है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, जो आगे हमको काफी जगह यूज होगा, बार बार यूज होगा। ठीक, सेमीकंडक्टर जब हम पढ़ेंगे तो वहां भी ये रिलेशन हमको यूज होगा। ठीक, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एन ए वी डी इंटू ई। अब फॉर्मूला याद कर लिया आपने, फॉर्मूले में जो जो टर्म्स आ रही हैं उनका मतलब भी याद होना चाहिए। स्मॉल एन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल एन। ठीक, जैसे सिल्वर की कंडक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, इसका मतलब सिल्वर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉपर से ज्यादा होगी। अच्छा, ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर मतलब थिकनेस ऑफ द वायर, थिकनेस ऑफ द वायर पायर स्क्वायर। ठीक, वी डी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वी डी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ई क्या है? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। स्मॉल ई क्या है? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देख लो आप। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन आप ध्यान रखिए, I इज इक्वल टू एन ए वी डी इन टू ई। ठीक, एक चीज और ध्यान रखना, करंट स्केलर क्वांटिटी है, करंट स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन आता भी है एग्जाम में, ये ध्यान रखो इसको। ठीक है, चलो इसके बाद छोटी सी चीज है, करंट डेंसिटी। क्या बोल रहा हूं मैं? करंट डेंसिटी, इसको शो करते जे से, वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी जे, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चलो अगर मैं लिख दूं तो क्या डेफिनेशन आप बता सकते हैं? करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। बताओ क्या मतलब इसका? बस भाई, इलेवेंथ फिजिक्स आप पढ़ चुके हो, फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी अगर बनती है आपसे तो बुक से आप भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक, फिर मैंने लिख दिया करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, इसका मीनिंग आप बता दो। आई क्या था? करंट। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ए से हम डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज फ्रॉम पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज फ्रॉम पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, क्या मतलब? सुनो मेरी बात, अब एक बात और ध्यान रखना, करंट डेंसिटी जे, बहुत काम की बात मैं बता रहा हूं, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड ओनली फॉर डीसी करंट, नॉट फॉर एसी करंट, नॉट फॉर एसी करंट। देखो, डीसी करंट और एसी करंट में क्या अंतर होता है? डीसी करंट पूरे वायर में से फ्लो होता है, डीसी करंट पूरे वायर में से फ्लो होता है, और एसी करंट केवल वायर के सरफेस में फ्लो होता है, एसी करंट केवल वायर के सरफेस में फ्लो होता है, और डीसी करंट पूरे वायर में से फ्लो होता है। ठीक,
डीसी करंट पूरे वायर में से फ्लो होगा, पूरे वायर में से, ठीक। तो करंट डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज फ्रॉम यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक। पूरे वायर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है उससे मतलब थोड़ी है, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जितना करंट फ्लो हो रहा होगा वो है करंट डेंसिटी, ठीक। क्या होगी इसकी ऐसा यूनिट? करंट मतलब एम्पियर, एरिया मतलब क्या? मीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक। चलो अब एक बात मेरी ध्यान से सुनो, अगर मान लो क्वेश्चन में आ गया, ठीक, क्वेश्चन आ गया फाइंड द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। अच्छा एक बात और, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी whose direction is along the direction of current, whose direction is along the direction of current, ठीक है। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना मेरी बात। क्वेश्चन भले बुक में नहीं दिया होगा लेकिन निकाल सकते हैं। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द रिलेशन बिटवीन करेंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करेंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सिंपल है, आप भी बता सकते हो कि करेंट डेंसिटी मीन्स जे इज इक्वल टू आई अपॉन ई। करेंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन अभी अपन ने निकाले ना, एन ए वी डी इंटू ई अपॉन ई, ए कैंसिल, तो करेंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू क्या? एन वी डी इंटू ई, ये आ गया। सिंपल रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सिंपल ये रिलेशन मालूम है अगर आपको, ये आराम से आ जाएगा, ठीक। मतलब हो सकता है कि कॉपी में ये क्वेश्चन ना हो लेकिन अगर क्वेश्चन आया तो ध्यान रखना। सिंपल एकदम, करंट डेंसिटी आई अपॉन ए, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन अपने को मालूम है, आई की वैल्यू पुट करना है, बस हो गया आप, ठीक।